पोको F2। जी हाँ दोस्तों, अब इस फोन को लेकर जो है काफी वेटिंग की जा रही है और इस फोन की जो है काफी सारे इमेजेस लीक्स है जो धीरे धीरे जो है सबके सामने आ रहे हैं। रिसेंटली जो इसकी एक लीक इमेज है, जो रेंडर इमेज है, जो हमारे सामने आई है और कहा जा रहा है कि कुछ इसी तरह से जो है इसका डिजाइन हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पोको F2 के कुछ और लीक्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में। पर उससे पहले, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट दिस रेड सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट मी। तो दोस्तों, ये है पोको F2 की एक रेंडर इमेज। इसे हम जो है एक रियल इमेज तो नहीं बोल सकते कि यही होगा, पर जहां तक एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है 2019 में एक वाटर ड्रॉप नोच को लेकर Xiaomi डिवाइसेस में, तो वहां से देखें तो ये इमेज है जो एक रियल इमेज की तरह लगती है। हो सकता है कि हमें यही सेम डिजाइन जो देखने को मिले। बैक में जो आप इसके जो ग्लास देख सकते हो, यानी कि इस बार कहा जा रहा है कि जो है बैक पैनल होगा वो ग्लास का होगा इसका। तो डिजाइन है जो एज इट इज कुछ ना कुछ Xiaomi प्ले और जो है Xiaomi रेडमी 7 प्रो जैसा ही लगता है, तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इस बार जो हमें वाटर ड्रॉप नोच जो है देखने को मिले पोको F2 में। और दूसरी तरफ ये भी है कि इस बार जो है पोको F2 में जो है पोको F1 के मुकाबले जो है थोड़ी लार्जर स्क्रीन टू बॉडी रेशो होगा, जिसका मतलब है कि हमें इस बार के वेरिएंट में जो है थोड़ी ज्यादा बड़ी डिस्प्ले जो है देखने को मिलेगी। तो बाकी जो इंटरनल स्पेसिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं जो है सेम ही रहने वाले हैं, जैसे कि सेम प्रोसेसर। और जो है पोको F1 में जो है एंड्रॉइड पाई आ चुका है, तो ओब्वियसली पोको F2 में जो हमें एंड्रॉइड पाई ही देखने को मिलेगा। और रिसेंटली जो लीक भी निकल के सामने आ रही है कि म्यू 11 भी जो है जल्दी लॉन्च हो सकता है, तो क्या पता है म्यू 11 के साथ भी आए, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा। तो दोस्तों, अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो मुझे नहीं लगता प्राइसिंग है जो कुछ ज़्यादा हायर होने वाली है पोको F1 के मुकाबले में। तो पोको F1 का जो करंटली प्राइस है वो है 20,000 रुपीज, तो हम जो है इसे 22,000 तक जो एक्सेप्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी लॉन्चिंग की, तो कब होगा ये लॉन्च। तो देखिए दोस्तों, जब भी किसी स्मार्टफोन के लेकर जो लीक सामने आने लग जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो डिवाइस है जो जल्दी लॉन्च हो सकता है। तो हम इन लीक्स के जो अगर सामने रखें और उन पर ध्यान दें, तो मैं आई थिंक ये डिवाइस है जो फर्स्ट क्वार्टर में जो है लॉन्च हो जाना चाहिए, आई थिंक मार्च के एंडिंग तक। बट इसके अलावा अभी हाल फिलहाल इसकी कोई डेट, प्राइसिंग, लॉन्चिंग कुछ भी कंफर्म नहीं है। बट हाँ, एक इमेज लीक जरूर हुई है और जहां तक मुझे एक्सेप्ट है तो डिवाइस है जो कुछ इसी तरह का रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही पोको F2 के लेकर कोई और जानकारी निकलती है तो मैं आपको जरूर जो है इन्फॉर्म करूंगा। तो ये फोन जो है मिडिल क्लास यूजर के लिए जो एक गोल्डन फोन की तरह है, तो जब भी लॉन्च होगा तो मैं भी इसे जरूर खरीदने की कोशिश करूंगा। तो कब होता है लॉन्च, तो उसकी तो फिलहाल वेटिंग ही कर सकते हैं हम। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए वंदे मातरम।